प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज सोयाबीन मिल मेकर परोठा बनाएंगे। सोयाबीन मिल मेकर परोठा बनाने के लिए एक कप मिल मेकर को धो के पानी में 10 मिनट भिगो दिया है। अभी इसको निचोड़ के पानी से निकाल देंगे। देखिए ऐसा सारे मिल मेकर को निचोड़ के निकाल लेंगे। अभी एक कढ़ाई में एक स्पून तेल डाल रही हूँ, निचोड़ा हुआ सोयाबीन को भी डाल रही हूँ। इसको थोड़ा भून लेंगे, रोज कलर आने तक इसको भूनेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसको ठंडा करके मिक्सी जार में डाल रही हूँ। इसको दरदरा पीस लेंगे। देखिए ऐसा सोयाबीन मिल मेकर परोठा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, एक कप गेहूं का आटा, एक कप दरदरा पिसा हुआ मिल मेकर सोयाबीन, 4 स्पून ऑयल, 1 स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2-3 स्पून नारियल कसा हुआ, स्वाद अनुसार नमक, 2-3 स्पून पत्ता गोभी कस के लिया है, करी पत्ता थोड़ा सा काट के लिया है, 2-3 स्पून गाजर, 2 ग्रीन मिर्ची दरदरा पीस के लिया है, 1/2 स्पून जीरा, 2 स्पून हरी धनिया काट के लिया है। अभी एक बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको डो बना लेंगे। देखिए ऐसा थोड़ा सा तेल लगा करके भी इसको गूंद लेंगे। देखिए ऐसा अभी इसको एक 10 मिनट के लिए थाली ढक करके रख देंगे। देखिए 10 मिनट हो गया है। अभी इसका लोई बना लेंगे। देखिए ऐसा अभी एक एक लोई लेकर के बेलेंगे, जैसे ठेपला रोटी बेलते हैं ना, ऐसा इसको बेल के तेल लगा के ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। फिर इसको आटा लगा करके फिर से बेल लेंगे। देखिए ऐसा तवा गरम करने रख दिया है। अभी इसको बेल के तवे के ऊपर डाल के सेकेंगे। देखिए तवा के ऊपर डाल रही हूँ। इसको दोनों तरफ तेल डाल के सेक लेंगे। देखिए ऐसा देखिए कितना अच्छा।
सेक गया है, अभी इसको निकाल देंगे। दूसरा भी मैं दिखाती हूँ। दूसरा लोई लेके ऐसा बेल के तेल डाल के ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके अभी इसको भी बेल लेंगे। अभी इसको भी दोनों तरफ सेक लेंगे। देखिए ऐसा इस परोठा को अचार के साथ, दही के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। देखिए परोठा रेडी हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। सोयाबीन मिल मेकर परोठा रेडी।